नहीं चाहिए। सर आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम हमारे गोदी मीडिया के सर्कस से। जैसा कि आप हम जानते हैं कि पिछले दिनों रामनवमी का पावन त्योहार था, पर कई लोगों ने इसको एक मौका समझा एक समुदाय को टारगेट करने का। उन लोगों में से गोदी मीडिया भी एक है। इन्होंने काम किया तो इस आग में घी डालने का, पर गलती इनकी भी नहीं है। गलती है तो उन लोगों की जिन्हें टेलीविजन ऑन करके सिर्फ तू हिंदू तू मुसलमान सुनना है, या किसी मौलाना को टीवी पर देखना है, या गोदी मीडिया की घटिया शक्लें देखनी है। है कि इस देश के अंदर अगर दूसरी बड़ी किसी की आबादी है तो वो मुसलमानों की है, तो अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? मीट शॉप बंद करवाने के पीछे हिंदू आस्था के सम्मान का लॉजिक दिया गया है। कहा गया है कि नवरात्र में लोग शुद्ध मन से पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में जगह जगह मांस की दुकानें खुली हो, बदबू आती हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। इनका विक्टिम कार्ड ही खत्म नहीं होता, इधर से निकालते उधर से निकालते, जेब में हाथ डालेंगे छह और निकालते। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है, इनका विक्टिम कार्ड का रिचार्ज चलता है। अरे खत्म होने लगा, थोड़ा और रिचार्ज कर। क्या नवरात्रि में हिंदू आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? जय श्री राम करके किसने बम फोड़ा? जय श्री राम बोल के किसने बम फोड़ा? जय श्री राम बोल के किसने गर्दनें काटी? आईएसआईएस क्या कर रहा है अल्लाह का नाम लेके? अल्लाह ऊपर कह के बम क्यों फट रहे? अल्लाह ऊपर कह के कश्मीर के अंदर मस्जिदों से क्या आवाजें निकल गई? क्या इबादत के लिए शोर जरूरी है? ऊंची आवाज से ही दुआ क्या कबूल होती है? उसके बिना नहीं हो पाती। बिना चीखे या जोर से बोले ऊपर वाले तक आवाज क्या नहीं पहुंचती है? उपवास करने वाला व्यक्ति होता हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो जो मोहतरमा ये कह रही हैं कि आस्था और अजान को जोर जोर स्पीकर पर लगाकर पढ़ना जरूरी है, तो हमें धर्मों के बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है, पर अगर यही सवाल कोई मुस्लिम एंकर जगराते या जागरण के 6 बजे तक चलने वाले स्पीकर पर पूछे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का? पर नहीं, हमें टारगेट करना है तो सिर्फ माइनॉरिटीज को। किसी को विक्टिम कार्ड खेलने का शौक नहीं होता, पर ये बात सरकार के पैसे से भरे हुए कानों वाले चाटुकारों के पल्ले नहीं पड़ेगी। अगले क्लिप में देखिए क्या हुआ जब अंजना ओम कश्यप ने लाइव डिबेट के दौरान पलटी मार दी और जनता के साथ मिलकर बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई की। अरे साहब, उत्तर तो देते जाइए कि किडनी बेचे या लंग्स बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? बहुत अच्छा जवाब दीजिए। ना तो देखिए जवाब दो। हाँ हाँ। ना तो किडनी बेचने की जरूरत है, ना तो कोई और आपको कुछ और ऐसे करने की जरूरत है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के साथ चलिए, देश आप भी ठीक रहेंगे, देश भी ठीक रहेगा। आज देश की स्थिति है इतनी मजबूत स्थिति है, जहाँ पर आप जैसे युवा पीढ़ी को मैं कहता हूँ कि जो खुशकिस्मत है कि आज हिंदुस्तान में पैदा, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, पैदा हुए हैं। इसलिए कि युवा पीढ़ी के लिए जो जितनी जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सर मेरा सबसे सवाल है कि एज ए स्टूडेंट हम डेली ट्रेवल करते हैं, डेली इतनी प्राइजेस हाई होती जा रही है डे बाय डे, तो मिडिल क्लास फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं बेसिकली, तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या हाल होगा? क्योंकि ज्यादातर में एक ही अर्निंग पर्सन होता है, तो उनमें जब डे बाय डे प्राइसेस हाइक होती जाएगी तो घर में, आप कह रहे हैं घर में घर बनवाया, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो घर किस काम का बताइए? नहीं देखो ऐसा है कि ये पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो, या महंगाई हो, महंगाई तो कंट्रोल पे है, पिछले अगर आप देखो सीपीआई इंडेक्स देखिए तो आप कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जाहिर देखिए सीपीआई इंडेक्स ये भगवान क्या जुलूम है, सीजनल फैक्टर की वजह से थोड़ी चीजों के दाम पर पीड़ित युवा पीड़ित। मौजूदा वित्तीय वर्ष का सिर्फ एक सप्ताह गया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी रिलीज की। क्या क्या बोला उसने आपको पता है साथियों? बोला कि जो हमारा ग्रोथ फोरकास्ट था 7.8% वो अब नहीं अचीव हो सकता, वो 7.2, 8 दिन में ही 7.2 में आ गए, अभी तो 8 दिन हुए हैं, और जो इन्फ्लेशन के फोरकास्ट थे वो 4.5% से बढ़ा के कर दिए 5.7%, और
जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फरवरी में 6.8% थी वो आज 8% है आज जब हम ये शो कर रहे हैं। तो बेरोजगारी अपनी बढ़ती जा रही है, विकास दर नीचे आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, बताइए ना, और मेरा छोटा भाई भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही। जफर साहब, आपने बेचे कलेजा, बेचे क्या, बेचे नौकरी नहीं मिल रही है। MBA करने के बाद उस बच्चे को नहीं मिल रही, क्या दिया मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो अगले क्लिप्स में हम देखेंगे कि नवरात्रि के दौरान एक समुदाय के लोग बिना किसी काम के जानबूझकर दूसरे इलाकों में गए और वहां पर जानबूझकर उनको प्रवोक करने की कोशिश की, और जिन मुस्लिम इलाकों में तोड़फोड़ की गई और कई मुसलमानों को पीटा भी गया, ये गोदी मीडिया के गिरे हुए लोग उन्हीं को गलत ठहरा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा कुत्ता मालिक पे भौंके। आगे आपको इसके प्रमाण भी देंगे, पर आप पहले ये क्लिप्स देखें। कैमरे पर सबूत, हिंदुओं को मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा निकालने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। करौली में सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी हिंसा, तोड़फोड़ हमला, घरों में दुकानों में आग, ये सब कुछ हुआ। What is secular about stoning? What is secular about mourning a Hindu procession? ये कैसे हो जाता है कि अचानक से घर पर इतने पत्थर आते हैं? लोग घरों में गिफ्ट में पत्थर देके जाते हैं क्या? गाना बजाना दंगा कैसे हो गया? और गाना आपसे क्या पूछ के बजाया जाएगा? गलती उनकी नहीं है जिन्होंने पत्थर बरसाए जी, गलती उनकी भी नहीं है जिन्होंने ऊपर से पत्थर मारे, गलती तो उनकी है जिन्होंने जुलूस निकाला। वो जुलूस निकालना गलत था, हिंदुओं को जुलूस नहीं निकालना चाहिए था। तो गोदी मीडिया जी, आप हमें ये बताओ कि मुस्लिम इलाकों में जाकर हिंसा की गई और वहां पर आग लगाई गई मस्जिद में, घरों में, शर्म की बात जानते हैं दोस्तों क्या है कि हमारे देश के नेता इस घटिया हरकत पर एक बार भी नहीं बोलेंगे। कोई मरता है मरे, हमें क्या। और गोदी मीडिया के चाटुकारों, ये क्लिप्स देखो और हमें देखकर जरूर बताओ कि कौन से लोग सिर्फ मुस्लिमों के इलाके में गाना बजाने के लिए गए थे। तुम्हारे सभी कट्टरवादियों ने हाथों में तलवारें पकड़ रखी हैं। हम सबको याद है गोधरा कांड, और हम सब जानते हैं कि आने वाला समय एक समुदाय के लिए और हमारे देश के लिए बहुत भयानक होने वाला है। आइए अब हम चलते हैं थोड़ी रियल खबरों की ओर। अगले क्लिप्स में हम देखेंगे कि असली पत्रकारिता में और गोदी मीडिया की चाटुकारिता में क्या अंतर है। जहां एक और रवीश कुमार जैसे व्यक्ति हमारे लोकतंत्र और हमारे चौथे स्तंभ को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ये सभी घटिया पत्रकार हमारे देश के संविधान का चीरहरण करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौकरी का सपना क्या होता है, हम इस सवाल को अपने नजरिए से नहीं देख सकते। हर व्यक्ति अपना सपना लेकर घूमता है। जो सेना में जवान बनने का सपना देखते हैं, आप उन्हें नहीं कह सकते कि पकौड़ा बेचने का सपना देखो। देश की सियासत में धर्म सबसे हिट फॉर्मूला माना जाता है, और मैं तो नवरात्रों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। क्या नवरात्रि में हिंदू आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? सर्कुलर में कहा गया है कि मीट की दुकानों से गंदगी फैलती है, जगह जगह मांस की दुकानें खुली हो, बदबू आती हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। पूरे देश में नवरात्रि में नो नॉनवेज मॉडल होना चाहिए, 9 दिन नो नॉनवेज। 2 साल से सेना में भर्ती स्थगित होने का नतीजा ये हो रहा है कि लाखों छात्र ओवर एज हो गए। इन्हें मौका तभी मिलेगा
जब सेना अपने नियमों में बदलाव करे, अन्यथा इनके सपने बर्बाद हो जाएंगे। सर 2 साल हो गए, 2 साल में बच्चों की एज बीत गई सर, हम ना कोई काम कर पा रहे ना कोई, हमारे घर वाले सभी गरीब घर से, ऐसा नहीं है कि अमीर घर से कोई दिक्कत नहीं, 2 साल तक टिक जाएंगे। और ये सब कुछ नहीं बता रहे, बता रहे कोरोना लीजिए, कोरोना कोरोना, ये बताओ SSC के एग्जाम हो रहे, नीट के हो रहे, जेई के, पुलिस के हो रहे, SI के हो रहे। चुनाव रैली हो रही है, चुनाव सभा हो रही है, लेकिन आर्मी की रैली भर्ती नहीं हो रही। सरकार हमारी सुनती नहीं है, मांगे चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा। कब तक युवा परेशान रहेंगे, कब तक युवा परेशान रहेंगे? व्यूअर्स सब कुछ होती है, तौसीफ बताइए धर्म के हिसाब से गर्मी कम ज्यादा कैसे लगती है, समझाइए आपका क्या मतलब, आपके कोई नया इजाद की है चीज? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ देखिए, नया इजाद आप और आपके चैनल करते हैं कि अपने व्यूअर्स को, जो अब आपने अच्छा किया अपने व्यूअर्स के अटेंशन को ले लिया। व्यूअर्स आप जानिए, ये एक नॉन इशू को मुद्दा बना करके आपके जहन को भटका रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ताकि आप सड़क में उतर के प्रदर्शन ना करें कि ये पेट्रोल का दाम 110 कैसे हो गया। देखते देखते फिर से भारत के कई राज्यों में पेट्रोल 115 रुपए लीटर और 117 रुपए लीटर से अधिक मिलने लगा है। CNG भी पिछले 6 महीने में 37% महंगी हो चुकी है। 70 रुपए लीटर होने पर आपा खो देने वाली जनता अब उस अतीत से दूर निकल आई। गरीब लोगों के मुंह से रोटी छीन रहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर। नवरात्रि में क्या मानी चाहिए आपको? आप बच्चों का दूध छीन रहे हैं, आप बच्चों की रोटी छीन रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, पहले तो बड़ी गंभीरता से एक बात कह दूं, इन्होंने कहा बच्चों का दूध छीन लिया। मैं तो कसम खा के कहता हूँ, राहुल गांधी का दूध हमने नहीं छीना है, बिल्कुल नहीं छीना है। रसोई गैस भारत में बहुत महंगी होती जा रही है, हर रोज भाव बढ़ते जा रहे हैं उसके, हर रोज ऐसा लगता नहीं कि अब भाव कम होगा। 1000 रुपए महीने का लाभ, लोग अपना परिवार पालेगी, 1000 की टंकी भरवाए। आप किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? चूल्हे पे खाना बनाते हैं। सच यही है कि लाखों लोग सिलेंडर होते हुए भी लकड़ी बिनकर ला रहे हैं ताकि चूल्हा जलाकर खाना पका सके। अरे आपको मीट खाने से किसने रोका है? क्यों गुस्सा हो रहे हो मेरे, क्यों मेरे? अरे इनको मीट दो पहले, ये मीट नहीं खा के मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं, आप बताइए। मुझे तो लगता था कि कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं बहने जिनको गर्मी लगती ही नहीं है, खासकर बहनों को, क्योंकि जब हम लोग हिजाब पे चर्चा कर रहे थे, बुरके पे कर रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे बहुत गर्म लगता है, काला कपड़ा पहना के रखते हो जी, जी, जी। तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं, उस बुरके के नीचे एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी किस लेवल पर चल रही है? ये सीधी सीधी बात है कि इस देश में हिंदू अगर आप है और खास तौर पर विपक्षी दल है, कांग्रेस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शुक्र बनाइए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और तमाम जगहों पर है, वरना बहुत बड़ी बात होती मैं तो यहाँ बैठ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।